यो रा मंगलसूत्र ना डाल दे मारे गले में, और यो सिंदूर ना भर दे मारी मांग। चल जल्दी, टाइम ना हमारे पास। मिश्रा, ये तो आपने हद कर दी। अरे आपने क्या हमें अश्लीलता का मुरब्बा समझ रखा है कि जब देखो हमें फुसलाने चली आ जाती हैं? देखिए मिश्रा, हम लगते होंगे लेकिन हम फुसलू टाइप के आदमी बिल्कुल नहीं है। और वैसे भी ये शादी ब्याह का चक्कर अब बस कर दीजिए प्लीज, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। क्यों ना इंटरेस्टेड, ना के कमी हो रही मोहरे में, इस तो जो है जवाब देना ही पड़ेगा। देखिए हम तो आपसे झट से शादी कर लेते, लेकिन लेकिन के लेकिन ये कि हमारे पास है ही क्या। अरे ऊपर से लेकर नीचे तक हमारी हर चीज सरकारी है, हमारी चड्डी बनियान सरकारी है, हमारे घर में जो फर्नीचर है यहाँ से चुराया हुआ सरकारी फर्नीचर, मेरा मतलब है घर में फर्नीचर भी सरकारी है। देखिए अगर हमारे पापा ने हमें बहुत सारी जायदाद छोड़ी होती तब हम आपसे एक बारी तो क्या 5 बारी शादी कर लेते। हाँ ओके गुड। वैसे ये मिस टोटाला से शादी ना करने का बहाना बहुत ही अच्छा था। हाँ एक्सक्यूज मी, सॉरी भैया, एक्सक्यूज अस। नहीं, क्यों से पहले बताओ क्या है काम, आखिर पता तो चले इन दोनों का नाम। मेरा नाम है खट्टू खरोचा टहलते टहलते, और मेरा नाम है पट्टू खरोचा घूमते घूमते। हम दोनों भाई हैं, ये मेरे बड़े भैया है। लगता नहीं, मुझे भी शक है कि ये मेरा भाई है, फिर भी मैं इससे 1 मिनट बड़ा हूँ घूमते घूमते। इसने मुझे मारा घूमते घूमते। नहीं भैया, हम दोनों ने एक दूसरे को मारा टहलते टहलते। आप इनके खिलाफ FIR लिखिए टहलते टहलते। नहीं, आप इसके खिलाफ मेरी FIR लिखिए घूमते घूमते। अरे यार, लेकिन पहले बात तो बताओ, बात क्या है? बात यह है इंस्पेक्टर साहब। ओह सॉरी हवलदार साहब, हमारे पिताजी। नहीं भाई, डैडी। हमारे डैडी निकट्टू खरोचा ने मरने से पहले एक वसीयत लिख के गए हैं, जो उनके डेथ के बाद हमें दिखी। नहीं भाई, दिखी नहीं, हमने देखी, और उसमें ये लिखा है कि मैं अपनी जायदाद के 2 हिस्से कर रहा हूँ। हाँ, जायदाद के 55% एक बेटे को और 45% दूसरे बेटे को दिया जाए टहलते टहलते। हाँ तो ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इस बात का फैसला कौन करेगा कि किस बेटे को 55% और किस बेटे को 45% दिया जाए। देखो भाई, अब तुम जाओ, हम तुम्हारे केस के बारे में ना अपनी मम्मी जी से बात करेंगे, तुम कल आना। अरे क्या हुआ मैडम, आप किस उधेड़बुन में बैठी हैं? आज जो है ना, ना मक्खन सिंह के पास जायदाद ना होने की वजह से हमारी शादी उससे होते होते रहेगी। आप सर से दहेज लेंगी मैडम? अरे दहेज तो मैं उसे दे दूंगी, पर वो माने तो सही, वो तो हमारे से यो कह रहा कि अगर उसके पास जायदाद होती तो हमारे से शादी कर लेता, इब जो ना है तो ना करेगा। जायदाद? मैडम मैं वही बताने तो यहाँ पर आया था। अरे वो तो मक्खन सिंह ने मन्ने ऑलरेडी बता दिया, तू कौन सी नई खबर ला रहा। अरे मैडम आप बिना एक नंबर की भोली हैं मैडम, मैं आपको ये बताने आया था कि हमारी चौकी में एक बहुत ही जायदाद भरा केस आया है। तो ना चू मैडम, अगर हम उस जायदाद भरे केस से आपकी मांग भरवा दें तो कैसा रहेगा? मैडम ये खुरचन। ओहो शर्मीली मोमबत्तियों, ना ज्यादा लाज बनती, लाज जो शर्माने की कोई जरूरत ना है। ना तुम्हारी जो यो केस है ना इसकी फुल स्टडी करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंच गई हूं कि भाई पहली बात तो तुम्हारा जो यो केस है इस पे मन्ने फुल डॉट दिखे। दूसरा, ना तुम दोनों भाई हो ना इस बात पे भी मन्ने शक दिखे। और तीसरा कि तुम दोनों भाइयों में ना 1 मिनट का फर्क हो रहा ना इस बात पे तो कंप्लीट डॉट दिखे मन्ने। आप देखती बहुत है घूमते घूमते।
जो एक रैप्टा नक घुमा के गर्मा गर्म कान के नीचे रख दूंगी ना, तो एक ही बार में घूम लेगा तू वर्ल्ड टूर। कैसे, दिखाओ जरा। नहीं मैडम, मैडम इनका पूरा एग्जाम लेना चाहिए, ये दोनों भाई हैं, ये साबित करने का इन्हें मौका देना चाहिए। हाँ। बेटा कोकी, यो जो है ना थारे गोपी अंकल, जो चौकी ने रेलवे स्टेशन समझ के चौकड़ी मार के अखबार पढ़ रहे ना, इनसे 5 रुपीज लेके गोला खा ले जाके। हाँ तो भाई तुम दोनों भाई ना, तुम दोनों भाइयों ने मैं दे रही हूँ 3 ऑप्शन। एक, या तो ये साबित कर दो कि तुम दोनों निखट्टू खरोचा के बेटे हो। दो, ओए मुसाफिर, या तो ये साबित कर दो निखट्टू खरोचा तुम दोनों का बाप था। या तो भाई तीसरा ऑप्शन यो है कि यो साबित कर दो कि जो तुम्हारी जननी माँ हो रही है वो निखट्टू खरोचा की बीबी से। ठीक है मैडम, माँ से बड़ा और क्या सबूत हो सकता है घूमते घूमते। ठीक है, कल सूरज उगते ही। नहीं भैया, कल चांद के छिपते ही हम अम्मा को लेकर यहाँ पहुंच जाएंगे टहलते टहलते। ये है हमारी अम्मा। मैडम, 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 ये है इन दोनों खरोचों की माँ। ओहो अम्मा, कैसी हो? अच्छी हूँ। अच्छा सही है। इब जो है ना, मन्ने शुरू से बताओ कि यो दोनों ना कैसे हुए थे, कब हुए, डिटेल में शुरू से। शुरू से? अरे अम्मा इतना शुरू से नहीं, हॉस्पिटल हॉस्पिटल से। तू चुप कर। अंधेरा बहुत था, रात का समा था, झूमे चंद्रमा था। इनके पिताजी श्री निखट्टू खरोचा उस वक्त टांगा चलाते थे। जैसे ही मुझे दर्द उठा, इनके पिताजी से देखा ना गया, उन्होंने मुझे बाहों में उठाया, टांगे में टांगा और नजदीक के सरकारी कमलावती हॉस्पिटल में ले गए। तब वहीं ऐन मौके पे लाइट चली गई। अंधेरा बहुत था। वहां पे सिर्फ आप ही थी या और भी गर्भवती महिलाएं थी? नहीं नहीं, मेरे अलावा भी वहां बहुत गर्भवती महिलाएं थी। मेरे इस हाथ पे बेला माखीजा, इस पे कमला कुंदर, आगे शांति प्रिया और पीछे रज्जो रमीला शायद। अरे शायद क्यों, रज्जो रमीला ही थी, कितना दहाड़ रही थी वो। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरा बहुत था ना। ओह, आप जरा ये बताइए कि आपके जब ये दोनों बेटे पैदा हुए तब आपको दो ही बच्चों के रोने की आवाज आई या और भी? अरे अंधेरा बहुत था, अंधेरे में ना जाने कितने बच्चे पैदा हो गए। देखा देखा मैडम देखा, मेरा शक सही निकला। मैडम इन दोनों को जरा गौर से देखिए, गौर से देखिए इन दोनों को। रंगीला, ये किस एंगल से ये दोनों भाई लग रहे हैं, स्पेशली ये वाला। ओ तुम जो अपने आप को 1 मिनट छोटा बता रहा है, ये आदमी मैडम मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 20-25 साल से वहां पर पैदा हुआ पड़ा था और अंधेरे का फायदा उठाकर आके पालने में लेट गया ताकि ये फैमिली इसे पाल ले। अम्मा अम्मा कुछ तो बोलो। क्या बोलूं मैं, ए अंधेरा बहुत था। नहीं, तुम लोगों की बात ऐसे नहीं जाएगी मानी, तुम दोनों भाई हो, इसकी कोई तो होगी निशानी। है ना निशानी, है ना, घूमते घूमते हमारे खरोचा खानदान पे एक चुड़ैल का श्राप है। हाँ। है ना माँ? हाँ। है ना, देखा मेरी माँ को भी पता है। तो श्राप क्या है पता है, कि हमारे खानदान में जो भी बच्चा पैदा होता है उसकी कमर पे खरोचने का निशान होता है। एक मिनट मैं अभी दिखाता हूँ, टहलते टहलते। कतई उतार ले आतुर हो रहा तू, ना घना आतुर होने की जरूरत कोई ना है, आज शनिवार से और शनिवार को ना मैं कोई निशान ना देखती। तू कल को आइयो, निकलो ये खाना खाली करो हमारा, निकलो। चलो बेटा अंधेरा बहुत है। अरे यहाँ कहाँ अंधेरा है अम्मा, तुम्हारे मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराओ। मैंने कहा ना अंधेरा बहुत है, तो क्या अंधेरा है, मार खाएगा? बोलो भाई अंधेरा है, सब लोग बोलो अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा है।
मैडम ये निशान कहां से बीच में आ गया? अब क्या होगा? ईब वही होगा जो मंजूर है चौटाला होगा। Excuse me, myself, Chief Inspector Iman Jogi, Hanuman Prasad Pandey. क्या आप रो रही हैं? रो नहीं तो अब क्या करूं? मैं वैसे आप कर तो काफी कुछ सकती हैं। नहीं मेरा मतलब है कि आप रो क्यों रही हैं? हुआ क्या है बताइए ना। मुझे गुंडे ने छेड़ा। How dare he? हमारे होटल में किसी और ने आपको छेड़ दिया? नहीं मेरा मतलब है कि बताइए ना कहाँ छेड़ा कैसे छेड़ा हुआ क्या है? पहले ना उसने मेरी कलाई पकड़ी। नाचे पकड़ी है तो सही। फिर उसने मेरी कलाई मोड़ दी। मोड़ी है तो सही। ना, उसने ना मुझे अपनी तरफ खींचा। खींची है तो सही। फिर मैंने उससे कहा कि भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। तो उसने मुझे कहा तुम्हें भगवान के लिए छोड़ दूं तो मैं क्या खाऊं प्रसाद? नाचे बोलिए तो सही। अगर हम तुम्हें भगवान के लिए छोड़ दें तो हम क्या खाएं प्रसाद? फिर जो ना मैंने उसे चाट देने की एक चाटा मारा। अरे हमें लगता नहीं है कि ऐसा चाटा खाने के बाद उसने आपको फिर कभी छेड़ा होगा। It was quite strong. छेड़ा उसने फिर भी मुझे छेड़ा। हैं? काफी जिद्दी आदमी मालूम होता है। छेड़ी है तो सही। ना छेड़ी। अच्छा ठीक है। Round two. Hey baby, लटका झटका दिखा। मेरा घूंघट हटा। हमारी बाहों में आ जा। खरोच दिया। क्या हुआ डैडी जी? क्या हुआ? क्या हुआ? मेरा मतलब है कि आप इनकी जरा मदद करिए और इनकी FIR लिख दीजिए। हम जरा बाम लगा मेरा मतलब है हम राउंड मार के आते हैं। ओके दीदी नमस्कार। ओ मैडम अब आएगा मजा। ओहो तो यो से खरोचा खानदान का खानदानी निशान। वेरी गुड। लेकिन मैडम इस निशान को देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने ये निशान पहले कहीं देखा है? हाँ जी जी मम्मी जी मुझे भी ऐसे ही लग रहा है जी। नहीं। हाँ मंडे याद आ गया यो निशान हमने कहाँ देखा है। वेरी गुड मक्खन सिंह। ओ जब माँ का दूध पिया है तो बाहर को निकल। यश ये कोई तरीका है हमसे बात करने का? हम यहाँ के चीफ इंस्पेक्टर हैं। ओ चीफ इंस्पेक्टर अपनी सरट ऊपर कर योर साइड। चल जल्दी फटाफट। सिम अरे यो लो भाई ना एक खानदानी खरोचा खानदान का निशान तो इस पे भी है। अरे नहीं नहीं ये कोई खानदानी निशान नहीं है। ये तो कुछ और है। क्यों ना तो फिर किसी छोरी ने बनाया यो निशान? क्या कह रही है आप? 24 घंटे लड़कियों का हमारे से नाता जोड़ती रहती है। देखिए ये हमारा बचपन का निशान है। बचपन से? मैडम मैडम कहीं ऐसा तो नहीं कि सर ही इनके असली बेटे हैं? अरे अम्मा यो के ड्रामा मचा रखा। इब जांच ले गौर से कहीं ऐसा तो ना अस्पताल में थारे ही बच्चे बदल गए हो। मुझे क्या पता अंधेरा बहुत था। माँ ये क्या कह रहे हो तुम टहलते टहलते? माँ क्या तुम्हें इतना भी याद नहीं कि हम दोनों तुम्हारे बेटे हैं घूमते घूमते? मुझे क्या पता कौन बेटा है कौन था। अंधेरा बहुत था। वैसे मेरी बचपन से एक ही इच्छा थी कि मेरा बेटा बड़े होकर पुलिस इंस्पेक्टर बने। भले ही हमारे पास करोड़ों की जायदाद है तो क्या हुआ? करोड़ों की जायदाद? माँ
हूँ आपका बेटा हनुमान प्रसाद पांडे। अरे आपके लिटिल हनुमान। अरे देखिए हम बन गए हैं पुलिस इंस्पेक्टर। आपको याद नहीं? अरे हाई स्मेल है क्यों? देखिए देखिए माँ अपनी जात, मेरा मतलब है हमारी जायदाद हमें दे दीजिए। अरे लेकिन नहीं भाई, लेकिन नहीं बट। ओह बस, नो इफ नो बट ओनली फटाफट। और यो फैसला फटाफट हो गया है कि यो ही खरोचा खानदान का बेटा और इनका वारिस। अरे तो जो जायदाद होनी है ना इसके नाम होनी है। अरे गोपी गुलगुले। हाँ जी जी। अरे बाल को जाके इनके लायर ने धर के लाओ, वो कागजात बनवाएगा जिसपे यो मक्खन सिंह साइन करेगा। इब केस निपट चुका है, आप लोग जाओ, वेरी नाइस मीटिंग, ओके बाय, निकलो, ठाणा खाली करो। बट मैडम, चलो मां चलो, अब चलो यहाँ से, वाकई यहाँ अंधेरा बहुत है। नहीं भैया, है अंधेरा बहुत यहाँ वाकई में। चलो चलो तुम पहले चलो मां चलो। अरे तुम्हारी बात सुन मक्खन सिंह, इतना तन्ने जायदाद भी मिल गई है। यस। और वादे के मुताबिक तन्ने मार से शादी भी करनी पड़ेगी, तो कल आएगी इस थाने में बारात। यो मंत्र मंत्र कैंसिल ना, इन मंत्र के चक्कर में कई बार हम दोनों के बीच अंतर हो गया है। डायरेक्ट जो है ना फेरों पे आ जा, चल जल्दी। ठहरो, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों, तू ताऊ और हमारा? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अरे हम तो इनके वकील हैं और वसीयत के मुताबिक खरोचा खानदान का वारिस कभी शादी नहीं कर सकता। और अगर ज्यादा चाहिए तो जिंदगी भर ब्रह्मचारी बनकर रहना पड़ेगा। जी हाँ, अरे हम तो जन्म से ही बाल ब्रह्मचारी हैं। देखिए मिस्टर डाला, ये शादी कैंसिल, जाइए आप लोग घर अपने, क्योंकि हम खरोचा खानदान के वारिस हैं। अरे तू कतई कोई वारिस ना है। मैडम आप ये क्या कह रही हैं? अरे तू चुप रह। अरे हमारी शादी पे संकट आ गया, यो बारिस कोई ना, असली बारिस तो यो दोनों से। अरे क्या कह रही हैं आप, हमारे यहाँ पे निशान तो लगा हुआ है। वो निशान तने मैंने करे थे घूंघट तोड़ के। आपने? हाँ जी जी, वो मम्मी जी थी। आप? मैडम हमारी आंखें खुल चुकी है, हम दो भाई अब एक हो चुके हैं, इसलिए हमारी जायदाद तो अभी एक ही रहेगी। माँ माँ आओ माँ घर चले, यहाँ अंधेरा बहुत है। नहीं, यहाँ उजाला बहुत है। खटू खटू माँ, ये हमारी माँ क्या हो? खा मगा। आओ माँ आओ, चलो चलो आओ माँ। अरे इतना इमोशनल मत हो, दूर गए खींच के। चलो माँ, पागल हो गई है। अब तो जो इतनी घनी सारी डेकोरेशन भी हो गया, पंडित मंत्र पढ़ मंत्र पढ़। हे हाथ आगे बढ़ाए तो काट के तुम्हारे मुंह में ठूस देंगे हम। और आप सुन लीजिए, ये शादी कैंसल है, कैंसल रहेगी। अरे आपको क्या लगता है हम इतने बड़े इडियट हैं? लगते जरूर होंगे लेकिन है नहीं। अरे हमें तो पहले से ही मालूम था कि उस दिन घूंघट में आप थी। अरे आप जैसी लंबी चौड़ी औरत का कौन मिस्टेक कर सकता है, और ऊपर से हमने जानबूझ के ढोंग करा ताकि वो दो लड़ते हुए भाई एक हो जाए, उनकी जायदाद एक हो जाए, और ये मतलब एक ढोंग था। देखा हमने उनको कैसे मिलाया। अरे इन दोनों को तो मिला दिया, अब यो भी तो बोल ना हम दोनों कब मिलेंगे। जब जायदाद के फूल फिर से खिलेंगे।